इसमें हमारे दोस्त बैठे हैं, नाराज होंगे मुझसे तो भले नाराज हो। पीएमएलएन ने ये सोचा कि इफ्तिखार चौधरी बैठा है तो वो हमारा जज है, तो मारेगा तो इनको मारेगा। तो आज मेरे दोस्त जो उधर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी काजी फायज ईसा अगर आ गया, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आप जैसे। और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज है। नहीं गौर साहब हर पार्टी को एक दूंगा, मेरे सबर का इम्तिहान ना लें प्लीज, बस करें। मैं सबको, यहाँ महमूद खान साहब शायद बात करना चाह रहे हैं, हर प्लीज मुझे एक एक जी। नवीद कमर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, नवीद सर, हम एक चीज कर रहे हैं, कैथारसिस कर रहे हैं सर। मिस्टर स्पीकर इफ यू कैन प्लीज। जी, कि जो कुछ भी हुआ इस सेशन में, आज आखिरी दिन है, उससे क्या खोया क्या पाया। हम ये हमारे ऑनरेबल फॉर्मर स्पीकर एंड आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट फ्रॉम डे वन, ही हैज ट्राइड टू प्रेजेंट इट कि एक पार्टी की जीत हुई और एक पार्टी की शिकस्त हुई। सर अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामेंट की होती, और अगर शिकस्त हुई है तो पूरी पार्लियामेंट की। जहां स्पीकर आज हम जहां खड़े हैं इसमें कोई शक नहीं, इस पर मैं एक फीसद भी उनसे डिसएग्री नहीं करूंगा कि कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो एक पेनस्टेकिंग, एक सब्र का इम्तहान वाला प्रोसेस होता है। और जब भी आप अच्छी चीज भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसान होते हैं। मैं खुद हिस्सा रहा हूं 18th अमेंडमेंट के प्रोसेस का, और भी जितने प्रोसेसेस इधर इस हाउस में हुए हैं अल्लाह के फजल से, वन हैज बीन पार्ट ऑफ दैट। ये भी काम वो है जो कि सबकी इनपुट से सबकी मशावरत से ही हो सकेगा, उसके बगैर नहीं होगा। जो ड्राफ्ट्स की बात हुई है, क्योंकि स्टेज पे उस हद तक लॉ मिनिस्टर से मैं अग्री करता हूं कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो हाउस में इंट्रोड्यूस हो और उसके बाद कमेटीज को जाए। ये वो ड्राफ्ट उस स्टेज पे हैं जहां पता नहीं किस किस किस्म की तजावीज आई हमारे सामने। कुछ का जिक्र लॉ मिनिस्टर ने किया है और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सारी जो तजावीज आई उनको नैरो डाउन करके या दो या तीन या मेरा ख्याल है तीन थी या चार पे आके उसको रोक दिया कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, और जो करें वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाला हो, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना हो। इसमें कोई भी इनकार नहीं करेगा कि इस इंस्टीट्यूशन ने जिसका हम सब हिस्सा हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पे आती है, इतनी स्पेस कंसीड की है और इंस्टीट्यूशंस, फौज को भी कंसीड किया, जुडिशरी को भी कंसीड किया है,
एक जमाने में एग्जीक्यूटिव सबसे भारी होता था, अब एग्जीक्यूटिव भी रिसीविंग एंड पे होता है। लेकिन मकसद ये है कि अगर हम आवाम के वोट लेके आते हैं तो हमारा काम है कि इस इदारे को, ये मजबूत होगा तो हम सब मजबूत हैं, ये कमजोर होगा तो हम सब कमजोर हैं। चाहे वो एक इंडिविजुअल पे अटैक होने की बात हो जो कि हालिया दिनों में हुआ, या पूरे इंस्टीट्यूशन की बात हो, हमें ये देखना चाहिए। यहां बार बार जजेस अपॉइंटमेंट की बात, क्या आपके मेंबर्स और हम इकट्ठे बैठ के ये गिला नहीं करते थे कि जो रोल पार्लियामेंट का होना चाहिए इन द सिलेक्शन, क्योंकि ओरिजिनली तो पहले एग्जीक्यूटिव करती थी, प्राइम मिनिस्टर करता था, फिर सीओडी के हिसाब से हम वो काम पार्लियामेंट में ले आए। लेकिन जैसे अब मैं रिपीट नहीं करूंगा कि 19th अमेंडमेंट के थ्रू 18th में भी वो नहीं मिला हमें, टू बी ऑनेस्ट 18th में भी जितनी हमारी बहस और मुबाइसा हुआ उसमें हमें बहुत डाइल्यूट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 19 ने तो पूरी कंसेप्ट को ही उड़ा दिया। ये कहीं भी नहीं होता ना कि हम खुद ही एक इंसेस्टुअस प्रोसेस एक क्रिएट कर दें कि मैं अपना जो है दोस्त या उसको ले आऊं और उसको कोई चैलेंज ना करे, ये नहीं होता। हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर ओवरसाइट होती है, चेक होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो उस लिहाज से दिस इज नॉट अ डिमांड ऑफ जस्ट दिस गवर्नमेंट, दिस इज डिमांड ऑफ ऑल पार्लियामेंटेरियंस। मुझे याद है हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर साहब होते थे उस जमाने में, एंड द कमिटी वेंट टू सी हिम एंड ही वाज ही फुल्ली इंडोर्स आवर व्यू पॉइंट कि जी देयर हैज टू बी अ बैलेंस। तो वो बैलेंस क्रिएट तभी होगा जब उस कमेटी को भी वही प्रोटेक्शन हो जो कि ज्यूडिशियल जो उसमें ऑफिसर्स बैठे हैं उनको है। तो दीज आर थिंग्स, आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिबेट द एंटायर अमेंडमेंट। मकसद ये कि देर आर मैनी थिंग्स जो कि पब्लिक डिमांड भी है, सिर्फ इस वक्त की, एंड खुदा का वास्ता है हर चीज को आज की सियासत के चश्मे से ना देखें। पहले भी व्हाई डू यू थिंक के 18th अमेंडमेंट के टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सके? इसमें हमारे दोस्त बैठे हैं, नाराज होंगे मुझसे, तो भले नाराज हों, पीएमएलएन ने ये सोचा कि इफ्तिखार चौधरी बैठा है तो वो हमारा जज है तो मारेगा तो इनको मारेगा। बट तारीख ने आपको दिखाया कि ऐसा कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो आज मेरे दोस्त जो उधर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी काजी फायज ईसा अगर आ गया, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आप जैसे कहते हैं अंग्रेजी में थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कंसेप्ट पे आए, इंडिविजुअल पे तो बैठ के डिबेट हो सकती है ना। अगर कंसेप्ट सही है तो ये ना कहें कि ये आएगा जज तो हमारे फायदे का होगा या ये जज आएगा तो हमें नुकसान देगा। ऑल द जजेस हु हैव रीच्ड दैट लेवल आर ऑल ऑनरेबल टू अस, हम सबका एहतराम करते हैं। एंड ये हम क्यों समझे कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, आई थिंक आई हैव द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर हिम। ये थोड़ी है कि हम एक को आगे कर रहे हैं और एक को पीछे कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस बन जाए तो फिर हम बैठ के देखते हैं कि हु इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इन इन द जॉब। हम जब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट की या प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट राइट्स की, एंड नाउ आई एम टॉकिंग ऑन लार्जर लेवल, तो फिर ये पीपल्स पार्टी का इशू तो नहीं है ना, या पीटीआई का इशू तो नहीं है। पीटीआई खड़ी है कि जगह जुडिशरी को पावर्स मिल गए तो पीटीआई स्ट्रांग है, अगर पार्लियामेंट को पावर्स मिल गए तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग स्ट्रांग है, ये तो नहीं होता। लुक एट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव, लेट अस सिट डाउन। प्रोसेस अभी चलेगा, लेट अस सिट डाउन, देखें कि क्या एक्सेप्टेबल। कल कमेटी में भी ये मौलाना साहब से भी, बिलावल साहब ने ये रिक्वेस्ट की आप उठाएं
और देखें कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है कौन सी नहीं है. जहां सबको पॉलिटिक्स होती है, हम सबकी पॉलिटिक्स होती है. देयर आर टाइम्स व्हेन यू टेक पोजीशंस, जब हमें पता भी होता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम पोजीशंस लेते हैं बिकॉज इट सूट्स अस एट दैट टाइम. लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट के फिर मेरिट पे देखें कि किस चीज में फायदा है और किस चीज में फायदा नहीं है. गो बियॉन्ड टुडे, लुक एट इट इन द नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years, एंड देन लुक एट दैट पर्सपेक्टिव. ओनली देन विल वी बी एबल टू. सो व्हाट आई वुड अर्ज एवरीबॉडी इज कि एक फोरम हमने जो क्रिएट किया, ये लेजिस्लेटिव फोरम नहीं है. जो स्पेशल कमेटी है वो रिप्लेसमेंट नहीं है लॉ एंड जस्टिस कमेटी की. वो एक कंसेंसस बिल्डिंग फोरम है जिसमें सीनियर जो है रिप्रेजेंटेशन वो तमाम पार्टीज की है कि जिस जिस चीज पे वहां हम अग्री हों वो ही फिर आगे जाए, फिर वो जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो करके फिर पार्लियामेंट में आए, फिर कमेटी को जाए. तो हम और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ कंसेंसस ड्राफ्ट. इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज है. सो दिस इज नॉट अ ड्राफ्ट जिसको हम एक फाइनलिटी दे के समझे कि बस यही हुकूमत करना चाहती है. जब आएगा सबके मशावरत से बैठेंगे, उसके बाद जब टिक ऑफ होगा फिर ही हम उसको लेके जाएंगे, फिर गवर्नमेंट लेके जाए अपने कैबिनेट में और फिर इधर आए. सो प्लीज आई वुड अर्ज यू कि ये अनफिनिश एजेंडाज जो हैं उसको हम वक्त लेके देखें. एंड ये वाली अमेंडमेंट या इस लाइंस पे जो अमेंडमेंट है वो एक हिस्सा है. जो कमेटी में हमने एजेंडा रखा है, इट गोज वे बियॉन्ड दैट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली ऐसा सुपर जो लॉ है इस मुल्क का, लेकिन हमने कहा है कि हम मेंबर्स की प्रिविलेजेस भी इसमें देखेंगे. मेंबर्स की अक्सर डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द आइल यू आर, विक्टिमाइजेशन की भी शिकायत होती है. लॉज जो हैं नैब लॉ मसलन, कभी आप इधर होते हैं आपको पसंद आता है, कभी आप उधर होते हैं आपको नहीं पसंद आता. लेट अस राइज अबव दैट. लेट अस हमेशा कानून को उस नजर से देखना चाहिए कि मैं रिसीविंग एंड पे हूं, अब उसका क्या इफेक्ट होगा. तो उन सारी जो कानून है उसको यूं ना देखा जाए कि अगले को पकड़ें किस तरह से और जकड़ें किस तरह से, यूं देखा जाए कि इसमें इंसाफ मिलता हो. सो लेट अस री एग्जामिन ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगेन इन एन एटमोस्फियर वेयर वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट एट ईच अदर्स थ्रोट्स. इसी तरह से आपके रूल्स और प्रोसीजर जो हैं, हालांकि रूल्स में कई चीजें डाल दी गई लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ जो है वो कहीं कहीं कमजोर रही. सो इज अ मच लार्जर एजेंडा एज आई वाज सेइंग. और भी कुछ हैं, प्रोसीजरल चीजें हैं, हमारी रिलेशनशिप दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड नॉट जस्ट द जुडिशियरी और द मिलिट्री बट ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, क्या रिलेशनशिप है, कहाँ हमारा रोल खत्म होता है उनका रोल शुरू होता है. Privileges of this house, privilege है क्या और क्या होना चाहिए, आया codify होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें इन सब चीजों पर एक नजर रखनी है. So in conclusion, Asad Kaiser साहब, I need to address you again. Don't accuse us कि हम कोई शब खून मानने वाले थे. हमारा भी दिल वही करता है जो आपका करता है. मे बी आपका शायद खान साहब को बाहर निकालने का एक एस्पेक्ट है जो कि, लेकिन इंस्टीट्यूशनली राइट्स के हिसाब से हम और आप में कोई फर्क नहीं है. लेट्स सिट डाउन, पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड डू व्हाट इज बेटर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एंड दिस पार्लियामेंट. थैंक यू वेरी मच.